हेलो स्टूडेंट, आई एम विश्वदीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम फ्लूइड मैकेनिक्स का जो आपका लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस की। तो कोहेसिव फोर्सेस क्या कहते कैसे कहते हैं, जो आपका मॉलिक्यूल्स के बीच इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है, यदि वो सेम सब्सटेंस के बीच लगने वाले इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। यानी यदि आपका जो सब्सटेंस है यदि वो सेम है, एक जैसी सब्सटेंस ले लिया आपने और उन दोनों सब्सटेंसों के बीच जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहे होंगे, तो ऐसे फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और एडहेसिव फोर्सेस क्या होते हैं, जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस है यदि वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के बीच में लग रहा है, तो उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच लगने वाले इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स को हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा है कोहेसिव फोर्सेस के बारे में, द इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस इज नोन एज कोहेसिव फोर्सेस। ठीक है, मतलब कि जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस लग रहा है दो मॉलिक्यूल्स के बीच, अगर वो एक ही सब्सटेंस है, तो ऐसे फोर्सेस को हम कोहेसिव फोर्सेस कहते हैं। और यदि आपका जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स है वो आपके दो मॉलिक्यूल के बीच अलग अलग सब्सटेंसेस के दो मॉलिक्यूल के बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्सेस को हम एडहेसिव फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो कोहेसिव और एडहेसिव फोर्सेस के बारे में आपको पता लग गया। अब हम बात करेंगे इसमें आगे वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड की। वेटिंग फ्लूइड तो जो वेटिंग फ्लूइड्स है, वेटिंग फ्लूइड जितने भी होते हैं उनमें जो एडहेसिव फोर्सेस कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं। जब आपके कोई भी फ्लूइड है यदि उस फ्लूइड में आपका जो एडहेसिव फोर्सेस हैं कोहेसिव फोर्सेस से ज़्यादा हो जाते हैं, ऐसे केस में क्या करेगा, कोई भी लिक्विड है वो सरफेस पर क्या करना चाहेगा, पूरी तरीके से फैलना चाहेगा। ठीक है, और जो आपका वेटिंग फ्लूइड है उसमें जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका 90 डिग्री से कम होता है। यदि आपका प्योर वाटर और क्लीन ग्लास का केस है, तो उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका जीरो होता है। देखा होगा आपने, अगर ग्लास आपके पास है बिल्कुल साफ है ग्लास और उसमें आपका प्योर वाटर की कुछ ड्रॉप गिरी है, तो वो क्या करना चाहेगा, वो बिल्कुल पूरी तरीके से फैल जाएगा उसके सरफेस पर। तो उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, तो इन वेटिंग फ्लूइड वेटिंग फ्लूइड में एडहेसिव फोर्सेस इज मच स्ट्रॉन्गर देन कोहेसिव फोर्सेस, जिसके कारण लिक्विड ड्रॉप या जनरली हम लिक्विड बोल सकते हैं इसको, लिक्विड ड्रॉप सरफेस पर स्प्रेड करना चाहेगा, फैलना एक तरीके से। ठीक है, तो वेटिंग फ्लूइड में क्या होगा, एडहेसिव फोर्सेस आपके ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, उस केस में क्या करेगा, कोई भी लिक्विड ड्रॉप होगी वो सरफेस पर पूरी तरीके से फैलना चाहेगा। ठीक है, तो और इस केस में जो आपका वेटिंग फ्लूइड के केस में जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट सरफेस और जो लिक्विड है उसके बीच में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, तो वेटिंग फ्लूइड में देखा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो आपका 90 डिग्री से कम होता है। ठीक है, अब
हमारे पास यदि प्योर वाटर है, क्लीन ग्लास है, बिल्कुल क्लीन, ठीक है, तो एक केस में ऐसा है जो आपका प्योर वाटर है, वाटर आपका प्योर होना चाहिए, कोई इंप्योरिटी नहीं होनी चाहिए उसमें, प्योर वाटर, और आपका जो क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास, क्लीन ग्लास के केस में, क्लीन ग्लास के केस में जो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट वो आपका क्या हो जाएगा, जीरो होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि कोई भी वेटिंग फ्लूड है तो वो क्या करना चाहेगा, पूरी तरीके से सरफेस पर फैलना चाहेगा। तो मान लीजिए कोई आपका ये वेटिंग फ्लूड है, ये आपके सरफेस पर इससे कनेक्टेड है, तो ये क्या करना चाहेगा, पूरी तरीके से सरफेस पर फैलना चाहेगा, इस तरीके से पूरे सरफेस पर ये आना चाहेगा। तो ये नीट एंड क्लीन ग्लास के केस में आपने देखा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो जीरो है और सरफेस पर पानी आपका जो लिक्विड है जो भी है फैलना चाहेगा। अब हम बात करते हैं नॉन वेटिंग फ्लूड की, अब बात करते हैं हम नॉन वेटिंग फ्लूड। तो जो नॉन वेटिंग फ्लूड है उस फ्लूड में क्या होगा, जो आपके कोहेसिव फोर्सेस हैं वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे, कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से जो लिक्विड आपका नॉन वेटिंग फ्लूड है वो अपने आप से कांटेक्ट करने को इटसेल्फ, मतलब अपने आप में ही कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है, अपने आप से चिपकने का प्रयास करेगा। ऐसे केसेस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है नॉन वेटिंग फ्लूड का वो हमेशा 90 से ज़्यादा होता है और आपका 180 से कम होता है। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है नॉन वेटिंग फ्लूड में वो आपका 90 से तो ज़्यादा होगा लेकिन 180 से कम होगा। यदि आपने ग्लास और मरकरी का एग्जांपल लिया है तो उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है मरकरी और ग्लास का वो 135 से 150 के बीच होता है। तो नॉन वेटिंग फ्लूड में हम अब देखते हैं कि नॉन वेटिंग फ्लूड में क्या होगा, जो आपका कोहेसिव फोर्सेस है वो एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाते हैं, कोहेसिव फोर्सेस एडहेसिव फोर्सेस से ज्यादा हो जाते हैं, और इस कंडीशन में, इस कंडीशन में लिक्विड लिक्विड सेल्फ कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करता है, सेल्फ कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करता है, ठीक है, सेल्फ कॉन्टैक्ट करने का प्रयास करेगा, ठीक है। और इस केस में जो थीटा होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, थीटा जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो आपका 90 डिग्री से ज्यादा होता है, 90 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन आपका जो 180 डिग्री है उससे उससे क्या होगा, कम होगा, कम होता है, ठीक है, उससे आपका क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मरकरी और ग्लास है उस केस में कितना एंगल होगा, यदि आपने मरकरी लिए है एचजी और आपने क्लीन ग्लास लिया है, ग्लास आपका क्या है, क्लीन, यदि आपने मरकरी ली है और ग्लास आपका क्लीन है उस केस में जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है वो आपका 135 से 150 के बीच होता है, ठीक है। तो ये कभी कभी पूछ लेते हैं ऑप्शन में कि नॉन वेटिंग फ्लूड में यदि मरकरी और ग्लास लेना है तो उसकी भी तो आपका एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना होगा, तो आप जनरली यहाँ से बता सकते हैं, तो ठीक है। तो नॉन वेटिंग और वेटिंग फ्लूड हमने पढ़ लिए। सेंसर को डील करने से पहले हम एक न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, यहाँ पर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेते हैं कि यदि आपके पास कंप्रेसिबिलिटी है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस तरीके के रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल यहाँ पे अभी कर लेते हैं, उसके बाद हम सरफेस टेंशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल है एट ए डेप्थ ऑफ 8 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए सी वाटर,
फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सी वॉटर द प्रेशर इज 82 मेगा पास्कल, डिटरमाइन डेंसिटी वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम एट दिस डेप्थ इफ एट द सर्फेस द डेंसिटी इज 1025 के जी पर मीटर क्यूब एंड द वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज 2350 मेगा पास्कल फॉर द गिवन प्रेशर रेंज। ठीक है, तो हमें ये न्यूमेरिकल दे रखा है, पहले आप नोट कर लीजिए इस न्यूमेरिकल को। तो मतलब हमें क्या बताया है कि समुद्र सरफेस से समुद्र तक 8 किलोमीटर गहराई पर जो प्रेशर है आपका वो 82 मेगा पास्कल है, तो हमें वहां पर उसकी डेंसिटी फ्लूड की वेट डेंसिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम ज्ञात करना है, यानी उस गहराई पर हमें डेंसिटी वेट डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम में ज्ञात करना है। यदि सरफेस जो सरफेस है उसकी सरफेस में लिक्विड उसकी डेंसिटी 1025 केजी पर मीटर क्यूब है और जो वर्क मॉडुलस है वो आपका इतना दे रखा है। ठीक है, तो हमें ये सब चीजें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो न्यूमेरिकल में हमें दे रखा था कि जो सरफेस है वहां की डेंसिटी 1025 केजी पर मीटर क्यूब है और समुद्र तल से 8 किलोमीटर यानी 8000 मीटर पर जो प्रेशर है वो 82 मेगा पास्कल है। तो यहां से सरफेस से लेकर डेंसिटी में क्या चेंज हुआ है, वो डी रो हुआ है आपका। ठीक है, और वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे रखा है 2350 मेगा पास्कल। ठीक है, और आपको पता है एट द सरफेस फ्री सरफेस पर जो गेज प्रेशर होता है वो आपका जीरो होता है। ठीक है, हम हमेशा फ्लूइड मैकेनिक्स जब भी डील करेंगे हमेशा किसकी बात करेंगे, गेज प्रेशर की। तो यहाँ पर जो गेज प्रेशर है वो जीरो है और यहाँ पर जो गेज प्रेशर दे रखा है 82 मेगा पास्कल है। तो जो आपका चेंज इन प्रेशर होगा डीपी, गेज प्रेशर में जो चेंजेस होगा वो किसके बराबर होगा, 82 माइनस जीरो, मतलब कि जो डीपी की वैल्यू क्या जाएगी, 82 मेगा पास्कल। ठीक है, जब मैंने आपको एमआईएम पढ़ाया था तो उस केस जब मैंने आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बताया था तो उस समय भी मैंने बताया था कि हम जब भी बात करेंगे गेज प्रेशर की बात करेंगे तो यहाँ पर गेज प्रेशर आपका जीरो है, यहाँ पर आपका 82 मेगा पास्कल है, डेंसिटी में चेंज जीरो है, तो यहाँ पर जो चेंज इन प्रेशर होगा वो 82 मेगा पास्कल होता है। तो हम जानते हैं जो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है आपका डीपी अपॉन डीरो अपॉन रो, ये फॉर्मूला हमें पता है, इस फॉर्मूले को हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इसको प्रूफ किया है। ठीक है, तो वर्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कितनी रखी है, 3025 और चेंज इन प्रेशर आपका 82 मेगा पास्कल। हमें डेंसिटी में जो चेंज है वो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें डेंसिटी की वैल्यू इनिशियल वैल्यू पता है, ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, 1025। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, 10^6 पास्कल। ठीक है, तो अब यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं तो डेंसिटी की वैल्यू आप जो सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से तो डेंसिटी यहां पे आ जाएगी आपकी, तो डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 35.76 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे कैलकुलेटर से जब इसको सॉल्व करेंगे तो उस केस में जो डी रो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 35.76 केजी पर मीटर क्यूब। अब हमें डेंसिटी में चेंज पता लग गया, ठीक है, ओरिजिनल डेंसिटी हमारे पास है तो हमें यहां पर कितनी डेंसिटी है उसको हमें निकालना है, तो यहां पर जो डेंसिटी होगी क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करना है। तो अभी उसको कैलकुलेट करते हैं, तो जो डेंसिटी में चेंजेस होगा जो डेंसिटी होगी वो किसके बराबर होगी, ओरिजिनल डेंसिटी प्लस जो चेंजेस होगा। तो डेंसिटी हमारी ओरिजिनल कितनी थी, 1025, कितनी वैल्यू आई डीरो कितनी आई, 13.76, तो आप इसको करेंगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास, 1060.76 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपके पास डेंसिटी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है वेट डेंसिटी, ये किसके बराबर होती है, रो इंटू जी के बराबर। ठीक है, डेंसिटी हमने निकाल ली, हमने हमें डेंसिटी निकालनी थी, वेट डेंसिटी निकालनी थी और स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना था, तो हमने डेंसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर ली, अब हम यहाँ से स्पेसिफिक वेट फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेसिफिक वेट होता है आपका W इज इक्वल टू रो इंटू जी के बराबर, तो यहाँ से आपके पास
जी की वैल्यू आपको पता है, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81, तो यहाँ से 1.06.76 इंटू 9.81। तो यहाँ से जब आप इसको स्पेसिफिक वेट निकालेंगे, तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास जो स्पेसिफिक वेट आएगा वो आपके पास आ जाएगा 1046.0556। ठीक है, तो आप इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी स्पेसिफिक वेट की। ठीक है, अब हमें निकालना है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी के रेसिप्रोकल को इसको आप क्या कर देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या जाएगा, यदि आप 1/2 कर देंगे तो आपके पास स्पेसिफिक वैल्यू की, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। यदि आप डेंसिटी को डेंसिटी का रेसिप्रोकल कर देते हैं तो आपके पास स्पेसिफिक वॉल्यूम आ जाता है। आप इसको 1/1060.76 कर देंगे तो आपके पास क्या जाएगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हम उसमें सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू क्लास।